हाल ही में देर रात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के 159 नॉर्थ एवेन्यू में स्थित घर पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय मनोज तिवारी घर पर मौजूद नहीं थे। हमलावरों ने मनोज तिवारी के कुक और पीएस के साथ जमकर मारपीट की। हमले के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 4 बदमाशों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार मनोज तिवारी करीब 1:15 बजे पहले हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और उनके कुक और पर्सनल सेक्रेटरी के साथ मारपीट की। दोनों को खदेड़ते हुए सीसीटीवी की नजरों से दूर ले गए, लेकिन मौका मिलते ही दोनों अपने आप को बचाकर घर से भाग गए और अपने आप को घर में बंद कर लिया। मामला यही नहीं थमा, इसके बाद एक मिनी ट्रक में बदमाश आए, उसके साथ एक पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाशों के हाथ में रॉड थे और मनोज तिवारी के नाम को लेकर गाली गलौज कर रहे थे। मनोज तिवारी ने बताया कि हमलावर उन्हीं पर हमला करने आए थे तो वहीं मिले तो कुक पीएस के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस को इस बाबत जानकारी दी गई। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर 4 बदमाशों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अभिलाष की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ to receive new updates, reviews and news.